एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पुनः इंग्लिश ग्रामर के क्लास में लेकर के आए हैं। इंग्लिश ग्रामर में आज हम वचन यानी नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर नाउन प्रोनाउन वर्ब के नंबर होते हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल नाउन के नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। नाउन का नंबर, नंबर यानी वचन, तो नाउन का नंबर, नंबर्स ऑफ द नाउन, नाउन के दो नंबर होते हैं। नाउन के कितने नंबर होते हैं? नाउन के दो नंबर होते हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, एक वचन। फर्स्ट क्या है? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। सेकेंड प्लुरल नंबर यानी बहुवचन। फर्स्ट क्या है? सिंगुलर। सेकेंड प्लुरल यानी बहुवचन। तो यहाँ हम सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन बताने जा रहे हैं आप लोगों को, यानी सिंगुलर नंबर एक वचन। सिंगुलर नंबर कहते किसे हैं? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सेकेंड है उसी का, सिंगुलर नंबर का दूसरा डिफिनेशन है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। यानी उसको हम साधारण भाषा में समझे, साधारण तरीका से समझे, सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जिस नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जिस वस्तु का बोध हो, जिस भी नंबर से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसी तरह अब फिर पुनः दूसरा, सेकंड जो प्लुरल नंबर है उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसा कि हम प्लुरल नंबर पे जाने से पहले सिंगुलर नंबर का कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानकारी ले लें, जैसे कि सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या है उसके बारे में जानकारी ले लें हम आपको दे दें। कैट, मैन, कॉ, इटीसी। अब हम प्लुरल नंबर पे चलते हैं। प्लुरल नंबर यानी प्लुरल, सेकंड प्लुरल नंबर है। प्लुरल नंबर का सबसे पहले हम डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी प्लुरल नंबर का डेफिनेशन है बहुवचन। प्लुरल नंबर यानी बहुवचन का डेफिनेशन है, प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। सेकंड डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन है, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लुरल नंबर। यानी प्लुरल नंबर एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है या कराता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लुरल नंबर। प्लुरल नंबर किसे कहते हैं? प्लुरल नंबर एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है उसे हम प्लुरल नंबर कहते हैं। तो प्लुरल नंबर का कुछ एग्जांपल के बारे में जाने, प्लुरल नंबर किसे कहते हैं? जैसे कि सिंगुलर नंबर में हम आपको बता रहे थे काव, काव, सी ओ डब्ल्यू काव बताए थे। यहाँ हम सी ओ डब्ल्यू एस लगा रहे हैं, एस जोड़ करके प्लुरल बना रहे हैं यहाँ, यानी सी ओ डब्ल्यू काव सिंगुलर नंबर में आया था, यहाँ एस जोड़ करके उसी को हम प्लुरल नंबर बनाए। यहाँ कैट, कैट में एस जोड़ करके कैट, मेन, मेन में एम ए एन, मेन वहाँ सिंगुलर नंबर में, मेन में एम ए एन, सिंगुलर नंबर एम ई एन, मेन, यानी वो प्लुरल नंबर में आते हैं। इसी तरह हम अब सिंगुलर से प्लुरल बनाने का कुछ नियम के बारे में जानेंगे, जो हम अगले क्लास में आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाने का कुछ रूल्स के बारे में बताएंगे। कुछ नियम हैं जिसमें लगभग आपको 14 या 15 रूल्स हैं, वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तब तक हम लोग सिंगुलर नंबर के बारे में और प्लुरल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त किए उसे याद करके रखेंगे, उसकी तैयारी करके रखेंगे, जिससे हमें सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर बनाने में कठिनाई नहीं हो। फिर से दोहराते हैं, लास्ट क्लास इंड होते समय सिंगुलर नंबर कहते किसे हैं? सिंगुलर नंबर एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। प्लुरल नंबर एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम प्लुरल नंबर कहते हैं। यही कहा के आज का क्लास को हम, नंबर क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।